हेलो एवरीवन, ये है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लास जो कि सभी ट्रेड पे कॉमन है। और क्लास नंबर हमारी पहली टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्लास हमारी पहली है, तो जो चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हम और भी क्लासेस पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके हैं निमी बेस्ड क्वेश्चन और CVT MCQs हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो हम आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको देखो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ज़्यादा इतना टफ नहीं है जितना आपका ट्रेड थ्योरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बिल्कुल टफ नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, फिर ऑप्शन देखना है, अपने आप आंसर दे सकते हैं। अब देखना, इस क्लास में मैं 20 से 22 क्वेश्चंस करवाऊंगी, मोस्टली आप 10 से 15 क्वेश्चंस तो अपने आप से कर ही लोगे, ये मेरा दावा है, अगर आप क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे और ऑप्शंस को भी पढ़ोगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मेन्यू है, एक और होगा, मैम खुद टाइप करती हूँ इन क्वेश्चंस को। ठीक है, भारत स्किल पर आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेगी PDF में, ये क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन क्लास में क्या है, क्लास में आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं खुद टाइप करती हूँ, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, बट मैं आप लोगों को सही बता दिया करूँगी। ठीक है, तो ये मीनू है, मीनू मीनू इज टॉक थैंकिंग हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम, व्हाट शुड मीनू से। अब चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं, मीनू जो कि मीनू इस तरह की, मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है, तो मीनू को क्या कहना चाहिए। मतलब सिंपल ये है, देखो सिंपल ये है कि जो दो लड़कियां हैं मीनू और रीता, यहाँ पे समझिए मीनू और रीता हैं, तो जो रीता है, रीता ने मीनू को एग्ज़ाम से पहले बहुत मदद करी, मतलब काफ़ी गाइड वाइड किया होगा कि भाई तू ऐसे पढ़ ऐसे पढ़। ठीक है, तो रीता ने मीनू की बहुत हेल्प करी, अब उसका एग्ज़ाम हो गया, अच्छा रिजल्ट रिजल्ट आ गया होगा और काफ़ी हेल्प हुई होगी उससे, तो मीनू अब रीता को हेल्प के लिए धन्यवाद देना चाहते, तुमने मेरी जो मदद करी है उसके लिए धन्यवाद, तो वो किस तरीके से कहेगी। इतना समझ गए, आई थिंक समझ गए होगे, मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, समझ गए होगे, है ना। अब ऑप्शन देखो क्या क्या है भाई, मीनू को रीता को थैंक यू बोलना है क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी। अब ऑप्शन क्या है, रीता मुझे माफ़ कर दो, ये तो होगा नहीं, रीता आई विल सी यू लेटर, रीता मैं आपको बाद में देखूँगी क्या मतलब है तो ये भी गलत हो, ऐसा नहीं है, धन्यवाद बोलना है ना। और एक है ये ऑप्शन, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, और एक ऑप्शन है रीता थैंक यू, रीता धन्यवाद, केवल रीता धन्यवाद, ऐसे नहीं ना। अब उसने भाई एग्जाम से पहले इतनी अच्छी हेल्प करी, इतनी बढ़िया तरीके से, तो क्या ऑप्शन होगा आपका। अब केवल दो ही ऑप्शन है, सी और डी। अब आप, हाँ बहुत बढ़िया, सी ही ऑप्शन होगा, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, रीता सभी की मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा, डी एकदम सिंपली रीता थैंक यू, ऐसे जैसे एहसान कर रही हो, ऐसे नहीं ना, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, आई थिंक आप लोग समझ गए हो मैंने क्या कहा। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, और आपको उनका आंसर आपको मिल जाएगा अपने आप, जैसे कि इस क्वेश्चन में मिला। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, संचार कम्युनिकेशन समझते हो, जैसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो बातें हो रही होती हैं वही तो होता है कम्युनिकेशन। तो संचार क्या है, इनकोडिंग डिकोडिंग, सेंड रिसीव या रिसीवर सेंडर, या फिर डिकोडिंग इनकोडिंग, क्या है। तो संचार कम्युनिकेशन जो है वो इनकोडिंग है और डिकोडिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सैड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, दिस इज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं, शिक्षक ने कहा पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर प्रयोग का विषय लिखें, यह है। अब देखो ये जो बोल रहे हैं, ये जो शिक्षक हैं ये बोल रहे हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, इन्होंने क्या कहा, पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर प्रयोग का विषय लिखें, ये केवल सेंटेंस है, इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन शिक्षक ने क्या कहा है, शिक्षक ने एक स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि स्टूडेंट्स आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से लिखना स्टार्ट करना है, प्रयोग ऊपर लिखना है,
जो आप लिख रहे हो, जैसे एक्सपेरिमेंट लिखते हैं ना, सबसे पहले विषय तो लिखते हैं कि हम किस विषय पर प्रयोग कर रहे हैं या फिर प्रयोग लिख रहे हैं। तो प्रयोग के ऊपरी दाएं कोने पर प्रयोग का विषय लिखे। तो ये शिक्षक ने बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन, एक स्पष्ट रूप से संप्रेषित निर्देश। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ोगे, ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट, एक दोस्ताना अनुरोध। वैसे शिक्षक जो है वो दोस्ताना तो होते ही हैं, मैं तो आप लोगों से बहुत फ्रेंडली हूँ और कभी कभी मजाक भी कर देती हूँ, बट मोस्टली शिक्षक इतने दोस्ताना नहीं होते, खासकर एग्जाम के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, एकदम सीरियस। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए स्पष्ट नहीं है। भाई इतने अच्छे से बोला है कि पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर प्रयोग का विषय लिखे ही, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपना जो प्रयोग का विषय है वो ऊपर से लिखना है, तो ये भी गलत है। एंड एपोलॉजी टू अ फ्रेंड, एक दोस्त से माफी, ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मेड अ मिस्टेक एंड रिया वांट्स टू पॉइंट इट आउट टू हिम, रिया शुड से। अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है, रिया को क्या कहना चाहिए, मतलब वो रिया किस तरीके से कहेगी। जैसे अंकित है, अंकित वैसे मेरे भाई का नाम है, अंकित है, उन्होंने गलती की है और रिया बताना चाहती कि अंकित तुमने गलती करी है, तो वो किस तरीके से बताएगी। ऑप्शन ए है आई एम सॉरी, ये तो नहीं होगा ना, आई एम सॉरी वो क्यों गलती करेगी, उसने थोड़ा ना गलती करी है, वो थोड़ा ना गलती सॉरी माफ़ी मांगेगी। बी ऑप्शन है यू आर अ बैड पर्सन, आप एक बुरे व्यक्ति हैं, ऐसे भी नहीं कहेगी, उसे बस बताना है कि तुमने ये गलती करी है या फिर किस तरीके से बोलेगी। नेक्स्ट है आई नीड टू टॉक यू टू अबाउट समथिंग, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है ट्रांसलेट सही से, आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, या फिर कांट वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खा सकते हैं। अब ये तीन ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन देख लो आप, इनमें से आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मुझे ये सी सही लग रहा है, आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, जो तुमने जो गलती करी है, जो भी है बैंड स्टोरी है या फिर जो भी है, मुझे इस बारे में बात करनी है। भाई जैसे भाई, जैसे भाई पे कुछ गलती, मैं अगर अपनी बात बताऊं, भाई से कुछ गलती हो जाती है तो मैं तो सीधा मम्मी से बोलती जाती हूँ, मम्मी ये किया भैया ने, ये बेंच तोड़ दी या फिर ऐसा कुछ। वैसे पहले बचपन में कुर्सियाँ बहुत टूटती थी, बहुत तोड़ते थे, तो मैं तो तुरंत बोल देती थी जाके मम्मी भैया ने ये गलती की है। तो मैं ऐसी रिया टाइप की नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ पिटाने वाली हूँ, बहन हूँ। हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मुझे आपसे बात करनी है, ऑप्शन सी। अगर चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आंसर आपको अपने आप दिख जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ कम्युनिकेटर यूज हार्श वर्ड टू पॉइंट आउट एरर्स इट विल, जब कोई संप्रेषक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो वह। यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, चार पांच लोग बात कर रहे हैं तो अब उसमें से थोड़ा बहुत बहस होगी कि नहीं ये आपने गलत बोला है, ये आपने गलत बोला, तो आपको टोकते हैं ना, नहीं तुम ये बात गलत बोल रहे हो, तो ये टोकते समय अगर कोई कठोर शब्द यूज करते कि नहीं ये ऐसे किसी, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, हाँ अलग तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कठोर शब्द का यूज कर देते हैं कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो अपनी लैंग्वेज में, तो वह क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा भाई, लड़ाई होगी ना कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया ऊंची आवाज में, तुम थोड़ी ऊंची आवाज में बात करोगे, वो तुमसे दुगनी ऊंची आवाज में बात करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप देखो ऑप्शन पे आते हैं, बी विल रिसीव्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं बना, सॉल्व द इशू, समस्याओं का समाधान करें, ये भी नहीं बना, मतलब समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता भाई, अगर कोई एक शब्द बोलेगा कठोर तो सामने से आपको दो शब्द कठोर सुनने को मिलेंगे, फिर तीन शब्द, फिर चार शब्द, ऐसे हो जाएगी लड़ाई, तो ये क्या होगा, अधिक समस्याओं का कारण बनेगा अगर आप कठोर शब्द बोलकर किसी की त्रुटियों को इंगित करते हैं, किसी की गलती बताते हैं, तो वो लड़ाई का कारण बनेगी। नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें, प्रभावी संचार की पहचान कर कैसे करें। अब एक बात आप लोग समझ लो, एक बढ़िया सी ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, क्या कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द एवर,
तो आपका ऑप्शन 98% यही सही होगा। ठीक है, समझ गए, बढ़िया ट्रिक है। अब 98.2% क्यों नहीं, वो आपको आगे और भी क्वेश्चंस में पता चलेगा कि मैंने 100% क्यों नहीं कहा, 98% क्यों कहा, 2% क्यों छोड़ दिया, वो आपको अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। बट मोस्टली आपका जो ऑप्शन ऑल ऑफ द एवव है वो सही होगा। ठीक है, जो थोड़े आलसी हैं पढ़ने में उनके लिए है, ऑल ऑफ द एवव आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होंगे मोस्टली। ठीक है, तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो डी ऑप्शन सब लोग करेंगे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, शायद किसी ने क्वेश्चन भी ना पढ़ा हो और ऑप्शन केवल नीचे देखा हो, ऑल ऑफ द अबव, हाँ यही सही है, 98% सही होता है, 2% होगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये सही है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। ठीक है, नहीं तो बहुत पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, ऑनलाइन पिटाई, मुझे नहीं पता कैसे होगी बट ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी आप लोगों की। तो क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें, एक्सप्रेशन, भाई प्रभावी संचार कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन भी जरूरी जरूरी है, टोन ऑफ वॉइस, वॉइस का जो लहजा है, आवाज़ का जो लहजा है वो भी जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप अपने हाथ को, समझ गए होगे, ठीक है, बोलते समय आप ज़्यादा हैंड मूव तो नहीं करते हो, ज़्यादा वॉक तो नहीं करते हो, एकदम स्टिल रहो, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है, ये तीनों जरूरी हैं प्रभावी संचार में, एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, तो क्या है, ऑप्शन डी। अरे मैडम जी, हमको तो पहले से ही पता था, आपने अब पहले ही बता दिया ऑप्शन डी है, अब तो हम यही देखेंगे, यही ऑप्शन किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, गुस्सैल व्यक्ति की, मैंने क्या लिया, गुस्सैल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, गुस्सैल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, मतलब गुस्सैल व्यक्ति है, अब समझ जाओ, ऑप्शन पढ़ लो, शांत होगा, बिल्कुल नहीं, गुस्सैल व्यक्ति कभी शांत होगा, कभी नहीं, दोस्ताना तो भाई कभी नहीं, पता नहीं क्या कोई दोस्त वो जाए साथ में, अरे मेरा दोस्त है गुस्सा, मेरे से कभी गुस्सा नहीं होगा, पता चले खोपड़ी फोड़ दे आपकी, तो गुस्सैल व्यक्ति से एक मेरा सजेशन है, कभी भी अगर कोई गुस्से में है उससे हमेशा दूर रहो, हमेशा, भाई दोस्त वोस्त होगा ठीक है, 2-3 घंटे बाद जब उसका शांत हो जाए दिमाग, तब दोस्त से मिलियो चाहे कैफे, लेकिन जब वो गुस्से में हो तब बिल्कुल मत जाइयो, इतना बता दे रही हूँ, शांत तो जो गुस्सैल व्यक्ति है उसकी बॉडी लैंग्वेज शांत तो हो ही नहीं सकती, दोस्ताना तो बिल्कुल नहीं हो सकती, अग्रेसिव हो सकती है, और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, रिलैक्स्ड एंड सूदिंग, आराम और सुखदायक, तो बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं भैया, मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, आंसर आपको आपके सामने मिल जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन इज स्किल इज, आपके संचार को बेहतर बनाने का एक तरीका कौशल है, आपके संचार को बेहतर बनाने का कौन सा तरीका है, कौन सा कौशल है जो आपके संचार को बेहतर बनाएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रैक्टिसिंग अलोन, अकेले अभ्यास करना, या फिर दोस्तों के साथ अभ्यास करना और प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना, या फिर रिजेक्टिंग एनी फीडबैक गिवन, किसी भी प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना, या फिर कीप्स ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को दिखते रहना। अब इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आपके संचार को बेहतर बनाने का एक बढ़िया तरीका, कुशल तरीका कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। जब तक आपको प्रतिक्रियाएं नहीं मिलेंगी अच्छी बुरी, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, हे आई एम सरन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फाउंड ऑफ रनिंग एंड ट्रैवलिंग, दिस इज एन, अरे मैं सरन हूँ, अरे बोल सकते हैं, हे को बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट किया गया है, हे अरे, हे को हे भी बोल सकते हैं, हाय मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ना और यात्रा करने का बहुत शौक है, तो यह एक किस प्रकार का परिचय है, मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है, तो ये किस प्रकार का परिचय है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बोथ है, यानी कि ऊपर के ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों हैं, या फिर नन ऑफ द एबव। एक ट्रिक भी आप लोग ध्यान रख लीजिए, अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में अगर ये ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ द एबव, तो समझ लो आपके सामने तीन ऑप्शन में ही कंपटीशन है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हटाई तो हो ही नहीं सकता, ये किसी भी ऑप्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के
किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर जो सरन है, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, अनौपचारिक परिचय है, ठीक है। इन्होंने अपने शौक बताए हैं, ठीक है। शौक कोई परिचय नहीं होता है अपना, अपने बारे में बताना कि आप आपकी क्या एजुकेशन है, या फिर अपना पूरा ऐसा बोल सकते हैं रिज्यूम टाइप का बताना, वो होता है परिचय। शौक परिचय में नहीं आता है, तो ये एक अनौपचारिक परिचय है। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता के विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता के विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार, दोस्ताना चैट, या फिर एक समूह में चर्चा, या फिर बहस। क्या होगा? एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार हमारा होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू। जब आप भाषण देते हैं तो ये हमेशा बेहतर होता है। जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा बेहतर होता है क्या? स्थिर खड़े रहो, मतलब एक जगह स्थिर खड़े रहो, या फिर झुक कर खड़े हो जाओ जब आप भाषण दे रहे हो, या फिर एक जगह बिल्कुल स्टैचू बन के खड़े हो जाओ, या फिर झुक कर खड़े हो जाओ, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से चलो, मतलब ऐसे सर से निकलो, एकदम तेज से निकलो, या फिर सीधे खड़े हो जाएं और मंच पर थोड़ा सा आराम से चलें। अब इसमें से बताओ, पॉजिटिव, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव आप लोगों को सोचना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना हो, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। तो ऑप्शन डी आप लोगों को लग रहा होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। मंच पर जाओ तो आप सीधे खड़े हो जाओ, मतलब बिल्कुल स्टैचू, ऐसे नहीं कि स्टैचू हो जाओ, ऐसा नहीं, तो सीधे खड़े हो जाएं और मंच पर थोड़ा सा आराम से चलें। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट है, न्यूज़ रिपोर्टर ऑन टेलीविज़न नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल्स ऑफ। टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। एक मिनट, डी ऑप्शन पर मत जाइए अभी, डी ऑप्शन पर नहीं जाना अभी। तो ऑल ऑफ द अब ये पता है कि ऑप्शन डी आंसर है इसका, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे? टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। अब जैसे हमारी रिपोर्टर हैं अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, मीनाक्षी जोशी, ये सारी रिपोर्टर्स जो हैं, एग्जाम्पल दे रही हो, ठीक है, एग्जाम्पल। आप कहोगे कि मैडम जी आप फीमेल हो तो आप फीमेल का ही नाम ले रही हो। चलो मैं क्या करें, आज तक पे मोस्टली यही लेडी देखने को मिलती हैं, ये तीन लेडी, तो इस वजह से मुझे इनका नाम याद है। तो उनको उचित स्तर बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? अपनी आवाज़, पहले अच्छे लहजे से बात करेंगी, आवाज़, आँखों का संपर्क, एकदम कैमरे की तरफ देखना, और अपना पोस्चर, अच्छे से बैठना, ठीक है। तो आपने देखा होगा एंकर को, टीवी तो देखते हो, एंकर पे कितनी बढ़िया तरीके से अच्छे से बोलती हैं, आई कांटेक्ट रहता है, एकदम कैमरे पे ही देखती हैं, और अच्छा पोस्चर रहता है। तो ऑप्शन क्या है? डी है, वही है अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन अमंग। अपने आप को प्रभावी ढंग से पेश करने से डेस्क के बीच एक अच्छा प्रभाव बनाने में मदद मिलती है। अपने आप को प्रभावी ढंग से पेश करने से डेस्क के बीच एक अच्छा प्रभाव डालने में मदद मिलती है। फ्यूचर फ्रेंड, शिक्षकों, भविष्य की नियोक्ताओं, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। फ्यूचर फ्रेंड्स के बीच एक अच्छा प्रभाव डालने में मदद होती है, टीचर्स के बीच अच्छा प्रभाव डालने में मदद मिलती है, और भविष्य की नियुक्ताओं के बीच एक अच्छा प्रभाव डालने में मदद होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, आप एक क्वेश्चन आप कहोगे कि मैडम जी जब ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आया करे ना, तो ऑप्शन मत पढ़ा करो, इतना टाइम ना लिया करो, सीधे बोल दिया करो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बस चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो बाद में जब भी देखो, और लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि निमी बेस्ड पिछली बार क्या हुआ था कि पुरानी पीडीएफ नई पीडीएफ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि किस तरीके किस पीडीएफ से क्वेश्चन आएंगे, पुराने क्वेश्चन आएंगे फिर नए क्वेश्चन आएंगे, ये नए क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने नहीं, ये नए क्वेश्चन है, फिर कुछ
क्वेश्चन में जो बैक पेपर वाले थे उसमें पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर जो नए बिल्कुल जुलाई में पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों के मन में कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आज बहुत फंबल हो रही हूँ, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट अगली क्लास से एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ समवन इज़ ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन द वैलिड ऑप्शन वैलिड ओपिनियन टू अदर्स दे आर, यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार है तो वह है, मतलब कोई जो व्यक्ति है वो खुले विचार वाला है और दूसरों की सोच को बिल्कुल सही ठहराता है कि हाँ चलो ये अपना ये सही बोल रहा है, तो तुरंत मान ले कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेटर है? तो वो एक गुड कम्युनिकेटर है जो किसी के अच्छे दृष्टिकोण को, अच्छी राय को अच्छा बता। नेक्स्ट है, व्हेन द अनदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज, जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो एक अच्छा संचारक हमेशा, मतलब कोई जो दूसरा व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति है वो बात कर रहा हो तो जो अच्छा संचारक है वो हमेशा ध्यान से सुनता है, बी पेशेंस, धैर्य रखता है, टू आस्क टू मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। अब आप क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चन पढ़ गया होगा, ऑप्शंस को देख के आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छा संचार हमेशा ध्यान से सुनता है और धैर्य रखता है कि चलो अभी 5 मिनट में बात हो जाएगी, फिर मतलब धैर्य से सुनता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या बोला है कि क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन देखना, पॉजिटिवली सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता फिर आपको मुझसे पढ़ने की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको एक बार तो इन क्लासेस को ज़रूर देखना है, जितनी भी क्लासेस हों आपको सारी की सारी देखनी है, भले आप एक बार देखो लेकिन सारी की सारी देखो, अटेंड करो और स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत धीमे बोलती हूँ, स्पीड बढ़ा लिया करना। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश समझने की ज़रूरत है या फिर दूसरा व्यक्ति आपके संदेश को समझ सके। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला व्यक्ति, उसको केवल इंग्लिश ही समझ में आती और हमें तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो यही है कि दूसरे व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपकी भाषा को समझ सके, आपके संदेश को समझ सके। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है, आप कहोगे ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मुझे लगता है कि मैंने बता के बहुत बड़ी गलती कर दी ये ट्रिक कि ऑप्शन डी होगा, जब ऑल ऑफ द अबव होगा तो ऑप्शन डी होगा आंसर, मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे स्ट्रेंथ्स हो, आपको नहीं बताऊंगी आप लोगों से क्या छुपाना। हाँ, तो ऑप्शन डी है, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गुड आई कॉन्टैक्ट, अच्छी नज़र से संपर्क, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजिशन, खड़े या बैठने की स्थिति और मुस्कुराना, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू, जब हम संवाद करते हैं यानी बात करते हैं तो इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं, किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जब हम बात कर रहे हों या संवाद कर रहे हों, तो किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, तो वो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, मौखिक और गैर मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्विट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान शांत रहता है, व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्विट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, जब कोई प्रतिभागी जो है वो समूह चर्चा के दौरान शांत रहता है। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे आपके कोई 5-6 लोग हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उसमें से सब लोग बोल रहे हैं, बस एक कोई है आपका दोस्त है वो अपना ओपिनियन नहीं रख रहा है, अपनी बात नहीं बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ तो करोगे ना, उससे जानने की कोशिश करोगे भाई तू भी अपना ओपिनियन दे, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, सबके ओपिनियन लेना ज़रूरी है, उसके बाद हम कोई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे या फिर किसी भी चीज़ पर काम करेंगे, सबके ओपिनियन लेना ज़रूरी है। अब उसमें से कोई एक बात नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसको इनकरेज करोगे कि भाई तू भी बता अपना
अपना योगदान दे इस ग्रुप डिस्कशन में, तो आप क्या करोगे, आई विल एनकरेज दैम टू पार्टिसिपेट, मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूँगा या करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इन, जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने के तरीके हैं, रुचि दिखाने के तरीके पर इसमें से ऑप्शन है समराइजिंग देयर आइडियाज एट द एंड, अंत में उनके विचारों को सारांशित करना, जब वे बोलते हैं तो हस्तक्षेप करना, बात करते करते सो जाना और उनकी ओर से बोलना। जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने के तरीके पर आप क्या करोगे, जैसे कोई बातचीत हो रही है तो आपको लगा कि हाँ ये अच्छा बोला था, तो आपको रुचि दिखा रहे हैं आप, मतलब इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ ये अच्छे बोले, तो आप उनको बाद में कहोगे कि हाँ आपने ये सही बोला था, आप उसको समराइज करोगे, सारांशित करोगे, सारी चीज़ों को आप सारांशित करोगे, समराइज योर आइडियाज एट द एंड, अंत में उनके विचारों को सारांशित करना, ठीक है। ऑप्शन पढ़ोगे, जब वे बोलते हैं तो हस्तक्षेप करें, ये तो नेगेटिव उसमें चला गया, बात करते करते सो जाना ये भी नेगेटिव है, उनकी ओर से बोलना ये भी नेगेटिव, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव सोचोगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, हमेशा आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल मीन, टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है, सबको पता है होल्ड ऑन यानी कि मतलब अभी रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ करते हैं ना, जब किसी से बात कर रहे होते हैं आसपास शोर हो रहा होता है या फिर मम्मी कुछ बोल रही होती है, इधर फ़ोन कर रहे होते हैं मम्मी कुछ और बोल रही होती है कि भाई ये कर ले ये काम कर ले उधर चला जा उधर चला जा, है ना, ऐसा होता है, तब फ़ोन वाले से बोलते हैं कि होल्ड कर, फिर मम्मी की बात सुनते हैं, फिर दोबारा फ़ोन पे आते हैं, तो ये इसका क्या अर्थ है, होल्ड ऑन का क्या अर्थ है, होल्ड ऑन का अर्थ सबको पता है टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय की प्रतीक्षा करने के लिए, आप फ़ोन पर जो फ़ोन पर है उससे बोलो कि होल्ड ऑन, मतलब आप कम समय के लिए प्रतीक्षा करें, वही पहले मम्मी की बात सुन लें मम्मी किस काम के लिए बोल रही हैं, क्योंकि अगर ऐसे हाँ हाँ बोल दिया और फिर बाद में मम्मी ने पीटा कि मैंने ये काम करने के लिए बोला था तूने सुना ही नहीं, फिर ये तो बस देखो एग्जाम्पल है, फॉर अ फन, ये केवल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो होल्ड ऑन का मतलब आप सभी को पहले से भी पता था और अभी भी पता, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा, टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम यू शुड, जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको, आप हैं एक बढ़िया से, आप किसी आपकी बढ़िया सी फ़ोन की दुकान है, लैपटॉप की या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने आपको फ़ोन दिया कि भाई मेरा फ़ोन ठीक कर देना कल तक, कल शाम को मैं लेने आऊँगा, ठीक है, लेकिन आप उसकी मरम्मत नहीं कर पाते हो, आपने कल शाम का टाइम दिया लेकिन आप नहीं कर पाते, फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन पढ़ो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 वीक मोर एज यू हैव अदर जॉब, ग्राहक को एक सप्ताह और प्रतीक्षा करने के लिए कहें क्योंकि आपके पास अन्य कार्य हैं, एक ये उसने कारण दिया, मतलब उसने क्या आपने कारण दिया कि भाई एक सप्ताह रुको क्योंकि आपके पास और काम है, ग्राहक से आपको एक और सप्ताह देने का अनुरोध करें, ग्राहकों को किसी अन्य कंपनी में जाने को कहें यदि वे चाहते हैं, ग्राहक आने पर खुद को छुपाएं। अब बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर आपने एक तो गलती करी मरम्मत नहीं कर पाई है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव यू 1 more week, ग्राहक से अपने आप को एक और सप्ताह देने का अनुरोध करें, क्या होगा ऑप्शन बी। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी क्लास में, क्लास नंबर होगी 2nd, टॉपिक हमारे वही रहने वाले कम्युनिकेशन स्किल, ध्यान रखिएगा ये हमारी 2nd क्लास है, अभी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी है, ये हमारी पहली क्लास थी, अब 2nd क्लास हम करेंगे कल, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी कोपा के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, सारे का सारा जो सिलेबस था वो पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको नहीं मिल रहा है वो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली आपको कमेंट पर ही वो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी कोपा के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्लासेस को, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, चाहे कोई सी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए उनके लिए कॉमन है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, ठीक है।